नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आपकी यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको एक वीडियो के साथ और आया हूँ। और इसमें इस टाइम आप बारिश का सीजन चल रहा है, और बारिश के कारण बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जिनकी टीवी नो सिग्नल हो जाती है और सिग्नल नहीं बताता है एक भी, तो उनको कैसे सही करना है और कौन कौन सी चीज़ें उनको चेक करनी है, जिसके कारण से उनके बहुत ही आसान तरीके से बिना ही किसी कस्टमर को बुलाए या फिर किसी मिस्त्री को बुलाए आप बहुत ही आसान तरीके से उसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले अपने बॉक्स जो आपका लगा हुआ है, तो बॉक्स जो आपकी सॉकेट लगी हुई है, तो सबसे पहले आपको सॉकेट चेक करनी है कि आपका जो सॉकेट है प्रॉपर तरीके से लगी होनी चाहिए। इसमें आपका जो एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपको अच्छी तरह से लगना होना चाहिए इसमें। फिर इसके बाद आपको चलते छतरी की ओर, और छतरी की ओर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें आपको सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है जिसके कारण से आपका सिग्नल नो सिग्नल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं छत की ओर आ चुका हूँ, और इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको वायर चेक करना है। ये जैसे आप देख सकते हैं कि वायर को सबसे पहले चेक करना है, तो ये मेरी एयरटेल की NLV लगी हुई है, और सबसे पहले आपको वायर चेक करना। तो वायर मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ, और वायर को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि आपका जो वायर है तो वायर प्रॉपर तरीके से इसमें और इसमें आपको किसी तरह से कोई कार्बन ना लगा हो। तो इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि हल्का सा कार्बन आ गया है, और ये वाली जो कनेक्शन है तो पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है, और यहाँ पर से भी जो आपका कनेक्शन जाता है तो प्रॉपर तरीके से यहाँ से करंट नहीं पा रहा है, तो जिसके कारण से मेरा जो सिग्नल है तो सिग्नल वीक कर रहा है। और इसके बाद इसको मैं साफ़ करूँगा, और साफ़ करने के बाद इसको मैं लगा दूँगा। तो इसको सबसे पहले मैं देखूँगा कि NLV से, तो NLV में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके जो है तो कार्बन लग गया है। कार्बन लगने से आपका जो 12 वोल्ट आता है और 24 वोल्ट आता है तो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं इसको साफ़ करूंगा यहाँ पर से ऐसे हाथ से, और साफ़ करने के बाद यदि आपके पास यदि और कुछ है तो उससे साफ़ कर सकते हैं। इसमें मेरा वाटर चला गया था पानी के भरने के कारण से, इसमें आपको सिग्नल पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा था। तो इसको सबसे पहले मैं इसमें लगाऊंगा, और लगाने के बाद इसको मैं पूरी तरह से इसको मैं इसमें कस दूंगा और टाइट कर दूंगा। और इसको पानी से बचाने के लिए आप इसमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आप यहाँ से पॉलीथीन पूरा लगा देते हैं तो इसके कारण से आपका वाटर डैमेज से आपका बच सकता है, तो इस समस्या से आप दूर हो सकते हैं। तो इसमें मैं कैसे पॉलीथीन आपको लगानी है उसमें भी आपको मैं बताऊंगा पूरी तरह से। तो इसको देखने के बाद आपको फिर देखना है, इसके बाद आपको इसमें जो आपका डिश एंटीना है, तो डिश एंटीना में आपको देखना है कि आपके डिश एंटीना घूमा है कि नहीं घूमा है, उसको भी आपको यहाँ पर से पूरी तरह से देख लेना है। यदि आपका सिग्नल एंटीना घूमा है तो उसको एडजस्ट कर दे। मेरा एंटीना पूरी तरह से टाइट है, तो किसी तरह से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो जो मेरी इसमें प्रॉब्लम थी तो वायर की प्रॉब्लम थी, तो इसमें आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि पॉलीथीन कैसे लगाना है और इसको कैसे आप बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं नॉर्मली आपका जो है तो ये मैंने पन्नी एक ले लिया है जो पॉलीथीन आपको होती है, और इस पॉलीथीन को आपको क्या करना है कि आपको जैसे यहाँ पर से साफ़ कर दिया पूरी तरह से, तो ये पॉलीथीन को ऐसे यहाँ पर से आपको लगाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉलीथीन को आपको ऐसे लगाना है, और इसको लगाने के बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पर से ऐसे बांध देना है, या फिर आप यहाँ पर से इसमें टेपिंग कर सकते हैं। इसमें आपको किसी तरह से कोई सिग्नल की समस्या नहीं होगी, और इसको बहुत ही आसान तरीके से आप उसको सही कर सकते हैं। तो बरसात में सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है, तो आपका यहाँ पर से जो वायर आती है, वायर में पानी जाने के कारण से आपका सिग्नल नहीं मिलता है पूरी तरीके से। तो इस तरह से आप इसमें आप पॉलीथीन लगा सकते हैं, और पॉलीथीन लगा के आप अपने सिग्नल्स को सही रख सकते हैं बरसात के भी टाइम में। तो चलते हैं हम नीचे की ओर और देखते हैं कि इसमें सिग्नल हमको कितना मिलता है और कितना सिग्नल सही मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, आप जैसे देख सकते हैं कि मैं नीचे की ओर आ चुका हूँ, और इसमें आपको जो सिग्नल है तो काफ़ी ज़्यादा सिग्नल अच्छा आपको मिल रहा है। अभी जिसमें नो सिग्नल बता रहा था, तो इसमें आपका सिग्नल क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिलने लगा। तो इस तरह आप यदि आपके बरसात के टाइम में सिग्नल की समस्या होती है, तो इस तरह से आप अपने डीडी फ्री डिश या फिर एयरटेल डिश टीवी वीडियोकॉन कोई भी है, तो उसको बहुत ही आसान तरीके से उसको बना सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। तो वीडियो देखने सभी मित्रों का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।